नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। पालिका कार्यकारी चेयरपर्सन पूजा धीमान और पूर्व चेयरपर्सन रजनी राणा के बीच वाक युद्ध तेज हो गया। पूर्व चेयरपर्सन रजनी राणा की ओर से पूर्व में और अब उनके पति शैलेंद्र राणा ने उनकी कुर्सी के लिए महिला एवं बाल कल्याण राज्य मंत्री कमलेश झांडा को जिम्मेदार बताया। तो कार्यकारी चेयरपर्सन पूजा धीमान की ओर से मंत्री पर लगाए गए आरोपों को निराधार बताते हुए पूर्व चेयरपर्सन पर गणमान्य लोगों के बीच हुए समझौते को दरकिनार कर वादा खिलाफी के आरोप लगाए गए हैं। अपने प्रतिष्ठान पर प्रेस वार्ता करते हुए कार्यकारी चेयरपर्सन पूजा धीमान ने कहा है कि वर्ष 2018 में जब पालिका चुनाव हुए थे उस दौरान कलायत में चेयरपर्सन की दौड़ में 3 गुट बने हुए थे। किसी भी गुट के पास बहुमत न होने के कारण कई माह तक कोई चेयरपर्सन नहीं बन पा रहा था। कलायत में बने 3 गुटों में सहमति न बनने से नगर में विकास पर ब्रेक लग गया था। कई माह तक चली खींचतान के उपरांत कलायत के गणमान्य लोगों ने नगर के विकास को देखते हुए रजनी राणा और उनके समर्थक पार्षद और मेरे साथी पार्षदों के बीच समझौता कराया था। उन्होंने बताया है कि गणमान्य लोगों ने चेयरपर्सन की नियुक्ति के लिए विस्तार से चर्चा की और रजनी राणा और मेरे चेयरपर्सन के पद पर आधा आधा कार्यकाल तय किया गया था। उन्होंने बताया कि समझौते के अनुसार टॉस उछालकर रजनी राणा का नाम आने पर उन्हें चेयरपर्सन का पद दिया गया था। रजनी राणा ने चेयरपर्सन के पद पर करीब 2.5 वर्ष तक रहना था लेकिन समय पूरा होने के उपरांत भी उन्होंने त्यागपत्र नहीं दिया। इस दौरान उन्होंने पार्षद साथियों से भेदभाव करते हुए वार्डों की अनदेखी करते हुए विकास कार्य नहीं करवाए। नगर में विकास कार्यों पर ब्रेक न लगे इसके लिए उन्होंने मजबूरन पूर्व चेयरपर्सन रजनी राणा के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाना पड़ा। उधर पूर्व चेयरपर्सन रजनी राणा ने कहा है कि वादा खिलाफी उन्होंने नहीं की है बल्कि पहले वादा खिलाफी पूजा धीमान गुट ने की है। उन्होंने कहा है कि तय समझौते के अनुसार तय समय के बाद पहले नगर पालिका उप प्रधान मीनाक्षी ज्येष्ठ का इस्तीफा लेकर हमारे गुट की पार्षद नीरज चौहान को पालिका उप प्रधान बनाया जाना था लेकिन पूजा धीमान गुट ने पहले पूजा धीमान को उप प्रधान बनाया। पहले वादा खिलाफी उन्होंने की जिसके कारण समझौता लंबे समय तक नहीं चल सका। कलायत से हमारे संवाददाता कुलदीप परमार की रिपोर्ट। चेयरपर्सन हटाने के लिए तो ये कहां तक सच है क्या? देखिए 2018 में प्रधान नगर पालिका चुनाव होने थे जिस उस समय ये चुनाव 7-8 महीने तक नहीं हो पा रहे थे। जिस उस समय रजनी राणा जी के बीच और हमारे बीच एक समझौता किया गया था कि 2.5 साल वो करेंगे और 2.5 साल हम करेंगे उस जिसकी वजह से अभी वो 3 साल गुजर गए लेकिन जो बीच में गणमान्य व्यक्ति थे वो उनसे ही मुकर गए और वो अपने वायदे के खड़े नहीं निकले जिस कारण अविश्वास लाया गया। देखिए इसमें जो माननीय मंत्री श्रीमती कमलेश झांडा जी पर हमारे पूर्व प्रधान रजनी राणा के पति द्वारा आरोप लगाए हैं वो बिल्कुल निराधार है। ये उनकी एक बोखलाहट है। लोकतंत्र में अपने वोट का उन्होंने कल एक वीडियो थी वो कह भी रहे कि जहाँ मान सम्मान नहीं हमें उससे समझौता नहीं करूँ तो ये हमारे लिए भी लागू होती है। हमारा वहाँ मान सम्मान हमें नहीं मिला, विकास कार्यों में भेदभाव किया गया, हमें जो लोगों ने चुन के भेजा जब हमारा ही मान सम्मान प्रधान जी द्वारा नहीं किया जा रहा तो हम लोगों में किस क्या लेके जाएंगे जी। लोग तो काम भी मांगते हैं। इसमें जो ये आरोप प्रधान जी पूर्व प्रधान रजनी राणा के पति शैलेंद्र राणा जी माननीय मंत्री जी पर लगा रहे हैं ये बिल्कुल निराधार है। ये उसकी एक बौखलाहट है, हार को वो पचा नहीं पा रहा। लोकतंत्र है, इसमें वोट का सबको अधिकार है। अविश्वास कोई नया नहीं आया जी, ये पहले भी होते आए हैं। ये पार्षदों को इसमें मंत्री जी का ना आपने वोट का अधिकार किया ना मंत्री जी की कोई किसी प्रकार की इसमें हमारे साथ सपोर्ट रही। मंत्री जी ने तो क्या था, मंत्री जी तो हमें मिलाने का प्रयास किया कि ऐसा हो सकता है तो हम मंत्री जी के उस कहने पे हमने कहा कि माननीय मंत्री जी हमारी वहां पे कोई कुछ नहीं हुई, हमारे ना विकास वो करवा पा रहा ना हमें वो मान सम्मान दे रहा तो इस वजह से ये अविश्वास लाया गया। पहले से क्या परिस्थिति बनी कि अलग अलग होना पड़ा इसको? देखिए जी जब ये 2018 में एमसी के इलेक्शन हुए उसके 5-6 महीने बाद यहाँ पे 3 गुट बने। 3 गुटों में आपस में कोई तालमेल नहीं बन पाया। 5-6 महीने बीत जाने के बाद पूजा धीमान जी और रजनी राणा जी के बीच में एक समझौता हुआ। मैं मेरे साथ सतीश धीमान जी, डॉक्टर बैसाखी राम जी और हम 4 पार्षद थे। किस प्रकार का समझौता हुआ? इस समझौते में ये हुआ था कि 2.5-2.5 साल के लिए ये करेंगे। उसमें रजनी राणा जो टॉस के माध्यम से रजनी राणा की पहल आई, रजनी राणा ने 2.5 साल का जो उसका समय था उस पर उसने अपना इस्तीफा देने से मना कर दिया। उसके बाद ये दूरियां बढ़ती गई, जो बीच के इमोजीज लोग थे, ये लिखित भी समझौता था, 50 आदमी गांव राम के भी थे, ये सबके सामने पेपरों में भी आता रहा है, आपकी भी नॉलेज में काफ़ी अच्छा है। ऐसा उन्होंने अपनी वादा खिलाफी की, उस वजह से जो
और पार्षदों की नाराजगी की वजह से, जो पार्षदों के ना विकास करवाए, काम करवाए, ना मान सम्मान दिया, क्यों नाराजगी रही है पार्षदों की नाराजगी? तो डॉक्टर साहब इसमें क्या है, पार्षदों को जो काम था काम नहीं किया, बिल्कुल एक तरफा एक साइड होकर काम करने लग गया, पार्षदों को मान सम्मान नहीं दिया, तो पार्षदों ने अपने जो मत का प्रयोग था वो करते हुए उसके खिलाफ अविश्वास लाए और अपने मत का प्रयोग किया, उसको कुर्सी से हटा दिया।